मंत्र मंत्र पर लगातार जो पहलवान खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। और अब ये खबर आई है कि इस पूरे विवाद के साथ बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी उनका समर्थन में उतर आए हैं और वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। फिलहाल ये अपडेट है, उन्होंने कहा कि मैं देश के पहलवानों के साथ हूँ। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह उनका समर्थन करते हुए और ये कहते हुए कि मैं देश के पहलवानों के साथ हूँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी अब पहलवानों का साथ देने के लिए आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के पहलवानों के साथ हूं और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक वो भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। देखिए, पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है वहां पर। धीरे धीरे पहलवान वहां पहुंच रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, वो पहुंच रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए, उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के पहलवानों के साथ हूं। आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि आज दूसरे दौर की बातचीत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से होनी है और उससे पहले जितने भी तमाम पहलवान खिलाड़ी हैं वो इन्हें देखिए। घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, हमारी सहयोगी किरण भी आपको वहां नजर आ रही हैं, लगातार बड़ी अपडेट वहां से दे रही हैं। जो रेसलर उनका वो बताएंगे, हम उनका साथ देंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। पहलवानों के साथ आई है दाद जी, और मैं मुझे कुछ नहीं कहना दाद भारत टीवी। अरे जो रेसलर बताएंगे, हम उनका साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है दाद जी। पहलवानों के साथ आ रही है दाद जी, और मैं मुझे कुछ नहीं कहना दाद भारत टीवी। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह को आप सुन रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि हम अपने पहलवानों के लिए यहां पर आए हैं, देश के पहलवानों के साथ हैं और इसलिए वो अपना ये सहयोग, अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज करा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अब वहां पर जंतर मंतर पर जहां पर ये पूरी तैयारी की गई है, अब वहां पर पहलवान खिलाड़ियों का पहुंचना जारी है, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर में जब यहां सभी खिलाड़ी पहुंच जाएंगे, वो सलाह मशवरा करेंगे कि खेल मंत्री के सामने किस तरह से अपनी बात को रखना है, तो फिर दूसरे दौर की बैठक के लिए वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सरकारी आवास पर मिलने के लिए जाएंगे, जो कि 12 से 2 के बीच में फिलहाल बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच फेडरेशन को लेकर ये अपडेट है कि जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, वो 12 बजे यूपी के गोंडा जिले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज का जो पूरा घटनाक्रम है वो इस तरह से होने वाला है, यानी एक बार फिर से वो अपनी बात रख सकते हैं। संगीन आरोप हैं, यौन शोषण के आरोप हैं, गड़बड़ी के आरोप हैं, पक्षपात के आरोप हैं। अब इस पर वो किस तरह से अपनी बात रखेंगे, और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि अगर आरोप सही साबित हुए तो वो फांसी लगा लेंगे, क्योंकि इस्तीफे का दबाव है। पूरी फेडरेशन को भंग करने की मांग पहलवान खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।